हेलो गाइस गाइस कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7 और ड्यूटी हो गई है शुरू हमारी, जो सभी हाउस वाइफ भी ड्यूटी हो जाती है शुरू। तो गाइस मैं आपको बताऊं, आज मैंने बनाया दाल चावल, सिंपल खाना, ठीक है। और दूध हमारा हो रहा है गैस पे, तो गैस पे दूध हो जाएगा तो मैं गैस वो साफ़ करके बर्तन साफ़ करके दाल कुकर से मैंने भगोने में कर दिए, चावल मैंने इसमें रख दिए हैं, इसमें चावल तो मुझे खाना नहीं है। तो मैं अभी बाज़ार से लेके आई आलू, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, 60 रुपये किलो टमाटर, पता नहीं क्यों। तो गाइस सामान लेके आई, पूजा का सामान हो रहा था, तो पूजा वूजा तो मेरी शाम की हो गई है, ये देखो आप। तो गाइस मेरे कान्हा जी किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो गाइस पूजा मेरी हो चुकी है, ये नीचे का मैंने खाना बना दिया है क्योंकि सामान उमान रखने के लिए यहाँ पे मेरे कान्हा जी के कपड़े रखे हैं ट्रॉली में, और पूजा का जो रूही बाती जो है सारा सामान मेरा रखा हुआ है कान्हा जी का, पूरा मैंने अच्छे से वो कर दिया है। तो कान्हा जी मेरे बैठे आराम से, मैं दूध गर्म कर रही हूँ तो दूध में पिलाऊंगी रात को। मैं उनका भोग नहीं लगाती हूँ कान्हा जी को, दूध का मिश्री का भोग लगाती हूँ, तो मैंने मिश्री कान्हा जी के पास रख दी है, तो मेरे कान्हा जी मिश्री खा लेंगे। आज मैंने तुलसी नहीं डाली है क्योंकि संडे के दिन तुलसी जी नहीं छूते हैं, न तुलसी को संडे में जल देते हैं, तो इसलिए मैंने कान्हा जी की मिश्री रख दी है। दूध गर्म हो रहा है, दूध दूध पिला के इनको मैं 8:30 बजे सुला दूंगी यहीं पे। मैंने इनका आसन लगाया हुआ है, रोड डेली में साफ कर देती हूँ यहाँ से ताकि चींटी या कुछ ना हो। वैसे तो मैंने दवाई चार तरफ कोने में दवाई लगा रखी है ताकि लाल वाली चींटी होती ना वो हो जाती है, बहुत तेज काटती है। तो गाइस वो आए नहीं है अभी साफ, गए हुए कपड़े उतारे हुए रखे हैं, बस मैं बर्तन साफ करके फिर मैं कपड़ों में प्रेस करूंगी। ये देखो कपड़े रखे हैं, और ये लेके आई मैं अभी आलू और टमाटर। तो गाइस सुबह स्कूल जाएगा बेटा, तो उसके लिए ना आलू का सैंडविच बनाना है, या आलू का मैं पराठा बना दूंगी, देखूंगी जो खाएगा वो ले बना दूंगी। तो मैं टमाटर लेके आई, देखो गाइस 1/2 किलो 30 रुपए के, 60 रुपए किलो टमाटर है। तो गाइस आपके घर में पूजा वूजा हो गई है, खाना वाना नहीं बना है तो कमेंट पे जरूर बताना। आप लोगों ने आज कई नई क्या डिश बनाई है वो भी मुझे जरूर बताना। गाइस मुझे बोलने में थोड़ी सी होती है दिक्कत, तो मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, मजाक मत उड़ाना और ये मत कहना इसको बोलना नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब इंसान सीख जाता है, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता। तो गाइस मैंने शाम का दाल चावल बनाया है, मैं दूध गर्म हो रहा है मेरे खाने के लिए, मैं दूध गर्म करके ठंडा करके दूध पिलाऊंगी। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं कॉमेडी में, वीडियो में। बाय बाय।